नमस्कार मेहमान श्रोत्री, आइए देखते हैं देश विदेश की खास 25 खबरें। दिल्ली के डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, जासूसी मामले में सिसोदिया पर होगा केस दर्ज। दिल्ली में आज होगा मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों को भी चुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव गुट की याचिका पर करेगा सुनवाई, चुनाव याचिका के फैसले के खिलाफ याचिका मंजूर। मुंबई के शिवसेना भवन पर मनराया खतरा, ट्रस्ट की संपत्ति में राजनीतिक दफ्तर चलाने का केस। लोक गायिका नेहा सिंह को यूपी पुलिस ने भेजा नोटिस, यूपी में काबा से समाज में दरार पैदा करने का आरोप। भिवानी मामले में गरमाई सियासत, हरियाणा के मुस्लिम इलाके में आज बीएसपी की महापंचायत। मानेसर में आरोपी मोनू के समर्थन में महापंचायत एफआईआर से नाम हटाने की मांग। भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत ने वीडियो जारी किया, कहा मेरे बच्चे को मारा गया, राजस्थान पुलिस पीछे पड़ गई। आज केंद्रीय कैबिनेट के साथ आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। आज यूपी विधानसभा में होगा बजट पेश, राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है योगी सरकार, 7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होने की उम्मीद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मेघालय के चुनावी दंगल में उतरेंगे, शिलोंग में करेंगे पहली जनसभा। पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आज जाएंगी मेघालय, अभिषेक बनर्जी के साथ करेंगी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे नागालैंड, विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया फरमान, जो छात्र दाढ़ी कटवाएगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिवाजी जयंती मनाने से रोका, वायरल वीडियो पर भड़के लोग। मध्य प्रदेश के भोपाल में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, रंगे हाथों 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। भोपाल में गौ तस्करों के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन, दुकानदारों ने समर्थन में बाजार बंद किया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के खिलाफ केस दर्ज, एसपी एसटी सहित अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज। जावेद अख्तर का लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बयान, कहा मुंबई हमले के आतंकी यहां खुलेआम घूम रहे। पटना हाईकोर्ट के 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, जजों का जीपीएफ खाता बंद, 24 को होगी सुनवाई। कर्नाटक में अब हिजाब पहनकर परीक्षा देने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची छात्राएं। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार तैयार, सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। उत्तराखंड में विनाशकारी भूकंप की चेतावनी, एनजीआरआई के वैज्ञानिक ने किया अलर्ट। हेराफेरी 3 में अक्षय की एंट्री, मेकर्स ने शुरू की शूटिंग, खिलाड़ी की वापसी सुन सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।